The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, शुरू करते हैं दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे दवाओं के बारे में, क्लोरोक्वीन और साथ ही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे या उसको अलग वीडियो में कवर कर लेंगे किसी दिन। सो क्लोरोक्वीन जिसके बारे में दुनिया बातचीत कर रही है, कोविड 19 कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट के बारे में, क्या दवा है ये, किसको इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या इसके साइड इफेक्ट्स है, क्या इससे जान जा सकती है। क्लोरोक्वीन इज बेसिकली बीइंग स्टडीड के, और ऑब्वियसली देखिए कोविड 19 कोरोना वायरस एक नई बीमारी है तो उसके लिए कोई भी दवा कारगर है या नहीं ये स्टडी करके ही पता चलेगा। सो इस पर स्टडीज चल रही है और बहुत सारी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रही है क्लोरोक्वीन के ऊपर, जो चाइना में, यूएस में, ऐसी कई जगहों पे जहाँ बहुत सारे पेशेंट्स हैं वहाँ देखी जा रही है कि पेशेंट्स किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और इसके रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि क्लोरोक्वीन कैन एक्चुअली कीप द वायरस फ्रॉम स्प्रेडिंग इनसाइड द बॉडी, कैन एक्चुअली शॉर्टन द टाइम दैट यू फील सिक, एंड देयरफॉर क्लोरोक्वीन फायदेमंद हो सकता है। बट देन उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, उसके कंसर्न्स भी हैं कि इसके क्लोरोक्वीन के वजह से मेजर साइड इफेक्ट्स, माइनर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सेकंड कंसर्न है इसके ड्रग इंटरैक्शन का, दूसरी दवाएं जो हम साथ में इस्तेमाल करें उसके साथ ड्रग इंटरैक्शंस हो सकते हैं। सो क्लोरोक्वीन में फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, तो करना क्या है। देखिए FDA के द्वारा एक इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हुआ है क्लोरोक्वीन का, कि आप एडल्ट्स को, एडोलेसेंट्स को जो एटलीस्ट 50 किलो वज़न है उनका, एटलीस्ट 50 kg वेट हो और या 110 पाउंड्स, और जो हॉस्पिटल में एडमिट हो वो लोग ले सकते हैं। जो क्लिनिकल ट्रायल्स में नहीं पार्ट ले पा रहे हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन एक डॉक्टर के सुपरविजन में। क्लोरोक्वीन शुड ओनली बी टेकन अंडर द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर, डायरेक्शंस ऑफ अ डॉक्टर, आपने खुद से नहीं लेना है। क्लोरोक्वीन कैन नॉट, शुड नॉट बी टेकन बाय एनी अदर पर्सन बाय देमसेल्फ। और ऐसी क्लोरोक्वीन जो जानवरों के लिए बनी है, जानवरों में भी क्लोरोक्वीन दी जाती है, सो ऐसी क्लोरोक्वीन जो जानवरों के लिए उसके इस्तेमाल में बनी है उसको कतई भी आपने अपने इंसानों के लिए इस्तेमाल में नहीं लेना है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट आपको समझना है। अब बात समझते हैं क्लोरोक्वीन के बारे में, है क्या, कैसे काम करती है, कब लिया जाता है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, कोविड छोड़ के, सो क्लोरीन के साथ। सो क्लोरोक्वीन बेसिकली क्लोरोक्वीन फॉस्फेट है, ये यूज़ किया जाता है प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में मलेरिया के, जी हाँ, मलेरिया की दवा है, और बाकी सारे एमीबियासिस जैसे पैरासाइट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोक्वीन जो है एंटी मलेरियल, एंटी अमीबिक्स, अमीबिसाइड्स के नाम के ग्रुप में आती है, और ये बेसिकली उस पैरासाइट को मार देती है। सो उसको कैसे इस्तेमाल करना होता है, क्लोरोक्वीन को उसकी एक टैबलेट खाती है, उसको आती है, उसको आपको मुंह से खाना होता है, और मलेरिया के प्रिवेंशन के लिए नॉर्मली एक डोज दिया जाता है वंस अ वीक, और एग्जैक्टली इन द सेम डे, जिस दिन आपने संडे के संडे, मंडे के मंडे, ऐसे, और डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको कितने टैबलेट्स लेना है हर एक डोज में, क्योंकि आपके वेट के हिसाब से दिया जाता है और आपके उम्र के हिसाब से दिया जाता है। और जो जब भी अगर आप ऐसी कोई जगह जा रहे हैं जहाँ पर आपको मलेरिया हो सकता है, मलेरिया वहाँ पे मान लीजिए एंडेमिक है, तो फिर वहाँ से जाने से दो हफ्ते पहले आपको क्लोरोक्वीन दी जाती है बहुत कॉमनली, और हफ्ते में फिर एक दो हफ्ते बाद दी जाती है, एंड देन आठ हफ्ते तक वहाँ से आने के बाद तक भी कंटिन्यू की जा सकती है। सो आप उसको जाने से पहले, दो हफ्ते पहले लेते हो, उस एरिया में रहते हुए लेते हो, आने के बाद 8 हफ्ते तक लेते हो, तो इतना प्रिवेंशन होता है मलेरिया का क्लोरोक्वीन से। सो अगर एक डोज को हम इस तरह से मान रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि ये इतनी भी साइड इफेक्ट वाली दवा नहीं है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स हैं, पर क्या है वो बताएंगे। अगर आप उसको नहीं शुरू कर पाए दो हफ्ते में तो डॉक्टर आपको डबल डोज दे सकता है राइट अवे, फर्स्ट डोज में एक लोडिंग के हिसाब से। अगर मान लीजिए कोई मलेरिया का इन्फेक्शन हो गया तब फिर क्लोरोक्वीन दी जाती है, डोज जो दिया जाता है, एक तो फुल डोज जो होता है उसका हाफ डोज पहले 6 से 8 घंटे में दिया जाता है, उसके बाद हाफ डोज जो होता है वंस अ डे नेक्स्ट 2 डेज तक दिया जाता है। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए बच्चों में क्लोरोक्वीन फॉस्फेट का वजन के हिसाब से
उनका डोज कैलकुलेट होता है, ये आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं बच्चों के। अमीबियासिस में जो दी जाती है वो डोज जो है वो हर 2 दिन में एक बार दी जाती है, और उसके बाद पहले एक सिंगल डोज दी जाती है 2 दिन, 2 डेज, 2 डेज के लिए, उसके बाद हाफ डोज दी जाती है एवरी डे फॉर 2 to 3 weeks। सो लंबा कॉम्बिनेशन होता है। क्लोरोक्विन फॉस्फेट का एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है, वो पेट खराब कर सकता है, स्टमक अपसेट कर सकता है, और इसीलिए क्लोरोक्विन फॉस्फेट को खाने के साथ दिया जाता है कि एसिडिटी कम हो, दिक्कतें कम हो। उसके अलावा आपको आपके डॉक्टर ने जो भी बताया गया है, आपकी दवा पे जो भी लिखा हुआ है, वो आपको फॉलो करना है, आपके गाइडलाइंस जो भी आपके दिए हुए हैं। क्लोरोक्विन फॉस्फेट ओकेजनली रूमेटॉइड आर्थराइटिस नाम की बीमारियां, ऑटोइम्यून डिजीज, ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, सार्कोइडोसिस, पोरफायरिया, क्रूटानिया स्टार्डा, ऐसी ऑटोइम्यून डिजीजेज, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में भी दिया जाता है, मगर इसमें ऑलरेडी रिस्क होते हैं जैसा हमने आपको ऑलरेडी बताया, और रिस्क के बारे में अभी हम बात करेंगे। स्पेशल प्रिकॉशंस आपको कई सारे लेने होते हैं। अगर आप क्लोरोक्विन फॉस्फेट या उसके अलावा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन हाइड्रोक्लोराइड ऐसी कोई भी दवा ले रहे हैं पहले से, तो अपने डॉक्टर को बताना है। बहुत सारी दवाओं के साथ इसका इसका जो है इंटरेक्शन है, साइड इफेक्ट है। सिंपल पैरासिटामोल के साथ, एजाइथ्रोमाइसिन के साथ, सिमेटिडीन के साथ, साइक्लोफॉस्फिरिन, इंसुलिन, शुगर की दवाएं, दिमाग की दवाएं, राइट, बहुत सारे कैंसर की दवाएं, इनके साथ इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। अगर ऐसी कोई दवा लेते हैं तो गैप रखना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर से बात करना ज़रूरी है। इवन एंटासिड लेते हैं तो 4 घंटे का गैप रखना है बिफोर, या 4 घंटे आफ्टर क्लोरोक्विन आप उसको ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जिस भी पेशेंट को कोई भी हार्ट डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, क्यूटी प्रोलोंगेशन है, इरेगुलर हार्ट बीट है, या इनको इरेगुलर हार्ट बीट या कोई भी लो पोटेशियम G6PD डेफिशिएंसी, किसी को पोरफायरिया है, सीजर है, विजन प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, नी प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा दिक्कत होएगा, उनको रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा याद रखिए क्लोरोक्विन का साइड इफेक्ट आंखों पे भी होता है, सो विजन प्रॉब्लम आ सकती है क्लोरोक्विन से, हाइड्रोक्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से, दोनों से। अगर आप प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में यू हैव टू टॉक टू योर डॉक्टर कि आपके केस में क्लोरोक्विन ले सकते हैं या नहीं। ब्रेस्ट फीडिंग में अगर होता है तो क्लोरोक्विन कैन हार्म, मतलब वो ब्रेस्ट में मिल्क में आता है तो बच्चों को जाएगा, तो बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए सोच समझ के लेना चाहिए। खुद से दवाई नहीं लेना है बिना डॉक्टर के हिसाब से। अगर आप डोज भूल गए तो जब भी आपको याद आए उस समय इमीडिएट डोज ले सकते हैं। डू नॉट डबल डोज, अगर आप एक भूल गए तो अगली बार 2 ले लूँगा, ऐसा नहीं करना। इसके नॉर्मल साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, पहले अगर सिंपल साइड इफेक्ट्स से आएंगे कि भाई सिंपल हेडेक हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, नौजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेट स्टमक प्रॉब्लम, कभी कभार इचिंग, रैश और हेयर लॉस भी हो सकता है। सीरियस प्रॉब्लम्स में अगर आएंगे तो ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, आंखों के सामने फ्लैशेज या स्ट्रीक्स आ सकती है, आंखों के सामने जो चीज़ें हैं रीड पढ़ने में मुश्किलात हो सकती है, सुनने में दिक्कतें हो सकती है, रिंगिंग ईयर में रिंगिंग हो सकती है, मसल वीकनेस, ड्राउजीनेस, वॉमिटिंग, इरेगुलर हार्ट बीट, कन्वल्जन्स, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, मूड, मेंटल चेंजेस, डिक्रीज्ड कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और लिटरली उल्टी सीधी बातें सुनना भी बहुत पॉसिबल है कि आपको थोड़े हेलुसिनेशंस हो। सो ये सारी बातें ध्यान में रख के याद रखिए, आपको इसको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको बच्चों के रीच से दूर रख, बच्चों के आसपास नहीं पहुंचना चाहिए, इसको आपने रूम टेम्परेचर पे रखना है, लाइट से अवे रखना है, एक्सेस हीट, एक्सेस मॉइस्चर पे नहीं रखना है। एक्सेस दवाई है, अननीडेड है, आपको नहीं खाना है, आपको लगता है आप नहीं खाओगे तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दो। ये किसी भी बच्चे, पेट्स, किसी के भी हाथ में नहीं लगना चाहिए, गलती से नहीं खाना चाहिए। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू नो अबाउट क्लोरोक्विन, जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी ने गलती से कोई इस तरह की डोज ले ली, इमरजेंसी ओवरडोज ले ली, तो उसको दिक्कतें बढ़ सकती हैं, जैसा हमने बताया, नौजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ड्राउजीनेस, कन्वर्जेंस, इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। ऐसे केस में उसको पॉइजनिंग की तरह ट्रीट किया जाता है और इमरजेंसी रूम लेकर जाया जाता है। सो ऑल इन ऑल क्लोरोक्विन एक प्रॉमिसिंग दवा है जिसका इस्तेमाल डॉक्टर्स को करना चाहिए, बिल्कुल जैसे एक 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 तलवार का इस्तेमाल, एक बंदूक का इस्तेमाल पुलिस वाले करे अच्छा है, बच्चों के हाथ में नहीं दी जाती, वैसे ही आप खुद के हाथ में दवाई मत ले लीजिए, खुद से दवा नहीं लेना है।
अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपको दिया जाए जाना चाहिए तो वो डॉक्टर देगा, और आपको अपने लिए अच्छा डॉक्टर चुनना भी बहुत ज़रूरी है, ना कि ऐसा डॉक्टर चुने जो भाई सिर्फ यहाँ से सुन के वहाँ ठोक देता है दवाइयाँ। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हियर। अगर कोई सवाल रह जाता है तो आप MOH की वेबसाइट पर जाके COVID-19 के गाइडलाइंस देख सकते हैं, मेडलाइन प्लस पे जाके क्लोरोक्वीन के बारे में पढ़ सकते हैं। सो ये सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। अगर कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो ज़रूर पूछिए। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।